आज मैं आपको बताऊंगी कि घर की मलाई से अच्छा सा बढ़िया होममेड घी कैसे बनाते हैं और बहुत आसान तरीके से। इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं लगेंगे, बहुत कम बर्तन में, बहुत कम काम में आपका बहुत अच्छा सा घी निकल के आएगा, बहुत अच्छा घी बनेगा। प्लस मैं ये बताऊंगी कि मेरे घर की मलाई है, ये घर के दूध की मलाई है और गाय के दूध की मलाई है। मेरे यहाँ गाय का दूध आता है, उसकी मलाई है। आपके यहाँ जिस भी, या भैंस का दूध आता हो, पैकेट वाला दूध आता हो, जो भी दूध आता है सबसे आप बना सकते। इवन ये पैकेट वाले ही दूध की मलाई है। मेरे घर में गाय के दूध आता है, वो भी पैकेट वाला दूध आता है, उसकी मलाई है। सेकेंड बात मैं ये बताना चाहूँगी, आप मलाई को स्टोर कहाँ करते हैं? मलाई को जब भी स्टोर करिए, एक बॉक्स बना लीजिए, फ्रीज़र में स्टोर करिए, फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र वाले पोर्शन में ही करिए। इससे जो मलाई होती है उसमें महक नहीं आती है और मलाई ज़्यादा दिन तक स्टोर हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, हम किसी काम में लग जाते हैं या बहुत बिजी हो जाते हैं, उस समय भी आपकी मलाई ख़राब नहीं होगी। फ्रिज में रखने से मलाई ख़राब हो जाती है। तो ये फ्रीज़र में रखी हुई मलाई थी, मैंने फ्रीज़र से निकाल के लगभग 2 घंटे नॉर्मल टेम्परेचर पे बाहर रख दिया था। अब ये सॉफ्ट हो गई है, क्योंकि फ्रीज़र में तो कोई भी चीज़ जम जाती है। तो ये देखिए सॉफ्ट हो गई, काफ़ी सॉफ्ट हो गई। अभी भी थोड़ा सा इसको और सॉफ्ट होना है, तो आधे घंटे भी और इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं, फिर इसके बाद हम मक्खन निकालने का प्रोसेस करेंगे, क्योंकि हम आज मक्खन निकालेंगे। पहले मक्खन निकालने के बाद ही घी बनाएंगे। और ये मक्खन जब निकालेंगे तो इस मक्खन से भी एक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत बढ़िया, बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है। और आगे ब्लॉग से जुड़े रहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत सी चीज़ें दिखेंगी। एक बड़ा भगोना हम लेंगे जिसमें हमें मलाई को ट्रांसफर करना है। किसी मिक्सी, किसी जार, किसी ग्राइंडर, किसी की ज़रूरत नहीं है। आज मैं घर के सामान से, और घर के सामान से मतलब डेली यूज़ वाली चीज़ों से, मिक्सी के जार वगैरह बहुत गंदे हो जाते हैं, फिर उनको साफ़ करना होता है, क्योंकि मलाई में चिकनाई होती है, फिर गर्म पानी से साफ़ करो, फिर ब्रश से साफ़ करो, ये सब झंझट से दूर। आज नॉर्मल वे में मैं बताऊँगी कि घी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले भगोने में, बड़े बर्तन में हम घी को बनाने के लिए मलाई ट्रांसफर कर लेंगे। हमें अपनी मलाई के हिसाब से बर्तन लेना है। कम मलाई है तो छोटा बर्तन ले लीजिए, ज़्यादा है तो बड़ा बर्तन ले लीजिए, मगर गहरा बर्तन होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, भगोना टाइप। सारी मलाई को हमें ट्रांसफर करना है, आहिस्ता आहिस्ता कर लेंगे सारी मलाई हम ट्रांसफर। जिस भी बर्तन में आप मलाई को रखिए वो बर्तन चिकना हो जाता है, तो साफ़ करने से पहले उसमें हल्का सा गुनगुना पानी डालिए, तब साफ़ करिए, तब बर्तन में चिकनाई नहीं रहेगी। वरना अगर नॉर्मल पानी से आप साफ़ कर देंगे तो बर्तन में चिकनाई बनी रहती है। ये देखिए सारी मलाई हमने ट्रांसफ़र कर ली है। थोड़ा सा इसको हम मैश करेंगे स्पून से, है ना, बढ़िया से एक मलाई है। अब इसका आगे का काम करते हैं, आगे हमें कुछ चीज़ें चाहिए, मैं बताती हूँ आपको। अब इसको हम साइड में करते हैं। ये देखिए ये बर्फ़ है ना, तो बर्फ़ का पानी हमें चाहिए, क्योंकि इसमें ठंडा पानी लगेगा। और अगर आप आजकल एक कोरोना टाइम चल रहा है तो लोग ठंडा पानी प्रेफर नहीं कर रहे हैं, तो फ्रिज में मैं ठंडा पानी रखती नहीं, मेरी बेटी छोटी है तो उनको ना होता है, जैसे ही पानी रखती हो तुरंत वो पीने लगती हैं, तो उनको बचाने के लिए मैं पानी रखना ही मैंने बंद कर दिया है। और कोई भी घर में नहीं पी रहा है तो बर्फ़ स्टोर कर लेती हूँ, कुछ भी काम होता है तो। आज बर्फ़ से ही ठंडा पानी हम बना लेंगे। एक लोटा मैंने लिया है, कोई भी चीज़ जिसमें भी आपको बनाना हो, पानी लेंगे
तो बर्फ के टुकड़े डालेंगे। मैं आपको एक टिप बताऊंगी अभी कि पानी के ठंडे गर्म होने का भी एक रीजन होता है। टिप ये है कि अगर आप गर्मी के मौसम में घी बना रहे हैं तो आपको ठंडा पानी चाहिए, और अगर जाड़े में बनाते हैं तो गुनगुना पानी चाहिए। ये दोनों चीजें हैं, मतलब हमें इंटरचेंज करनी है। जाड़े में गुनगुने पानी से बनेगा घी और गर्मी में ठंडे पानी से। जैसा हम पीते हैं, जैसा हमें पसंद है, वैसे ही अपनी मलाई को पसंद है उसे घी बनाने के लिए। बस इतना ही छोटा सा टिप है। पानी अच्छे से ठंडा हो गया है, देखिए बर्फ डाल दी थी पानी में। अगर आपके पास फ्रिज का पानी है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं अपनी मलाई की तरफ। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम और इसको क्लॉकवाइज हमें चलाना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमें बस इसको क्लॉकवाइज चलाते रहना है। राउंड 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 बस। अब स्पून को हम निकाल लेते हैं। आप चाहें तो स्पून से भी ऐसे लगातार चलाते चलाते घी के लिए मक्खन निकल आएगा। मैं इस्कर की शेफ के हेल्प से ही कर लेती हूँ। स्पून से भी निकाल सकते थे, फिर मैंने सोचा लो इस्कर की सहायता से ही कर लेते हैं। मथनी की, जो पहले मथनी आती थी, उसकी सहायता से कर सकते हैं। जैसे आपको इजी लगे, बस खाली यही इसका प्रोसेस है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करिए और इसको क्लॉकवाइज राउंड 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 चलाना है बस। जैसे जैसे पानी पड़ेगा वैसे वैसे अपना जो मलाई है वो हल्की होने लगेगी, क्योंकि उसमें से मक्खन अलग होने लगेगा। देखिए काफी मलाई में अंतर आ चुका है, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। चेंज आया ना मलाई में, मक्खन वाला फॉर्म आना लगभग शुरू हो चुका है। पानी थोड़ा सा और ऐड करिए, क्योंकि जब हम पानी ऐड करेंगे पहले तो ठंडे पानी से मलाई को मक्खन निकालने में हेल्प मिलेगी। प्लस जब पानी आता है तो कोई भी चिकनी चीज पानी में ऊपर आ जाती है, तो ये भी प्रोसेस एक होता है। ये भी एक होता है कि जब पानी हम डालते हैं तो वो जब मक्खन चिकना होता है, मलाई चिकनी होती है, तो वो हल्की होके ऊपर की तरफ आता है, पानी नीचे हो जाता है और मक्खन ऊपर आ जाता है। और चलाने में भी बहुत हेल्प मिल जाती है, क्योंकि मलाई डायरेक्ट में बहुत अभी थोड़ा सा थिक होती है तो हाथ और दर्द होने लगता है लगातार, मगर पानी डालने से मलाई हल्की हो जाती है। ये देखिए
बस लगभग तैयारी होने वाला है, 2-3 मिनट और लगेगा। एक बार हम देख लेते हैं। ये देखिए है ना, एक बार और चला लेते हैं, 2 मिनट पहले रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट करने के बाद चलाइए, लगातार चलाने से प्रोसेस थोड़ा सा देर में होता है, अगर बीच में थोड़ा सा ब्रेक करके तब चलाइए ना, तो रेस्ट मिलने के बाद मलाई भी एडजस्ट हो जाती है। फिर इसके बाद 1-2 मिनट इसको रेस्ट करिए, ये इसे छोड़ दीजिए, फिर एक बार हम अच्छे से इसको फिर से चलाएंगे क्लॉकवाइज। ये अपनी मलाई रेस्ट कर चुकी है, इसको एक बार फिर से चला लेते हैं। थोड़ा सा इस टाइम पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, मक्खन निकल आया है देखिए। एक बात और होती है, ये गाय के दूध का मक्खन है, और जब गाय के दूध की मलाई थोड़ी हल्की होती है, नॉर्मल जो भैंस का दूध होता है उसकी जो मलाई होती है थिक होती है, आप लोग भी देखते ही होंगे अपने घर में। देखिए मक्खन निकल आया है बिल्कुल, है ना। अब हमें पानी से मक्खन को अलग करना है, पहले इसको साइड पे रख दीजिए। उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा अपने हाथ से काम करना है इस तरीके से, जो हल्का मक्खन है उसको हमें हाथ से निकाल लेना है पानी से। देखिए निकाल, आप छन्नी से भी सकते हैं, आप पूरा बैटर छन्नी पे डाल दीजिए, पानी निकल जाएगा तो आपका मक्खन ऊपर आ जाएगा, फिर छन्नी भी गंदी हो जाएगी, फिर उसको भी गर्म पानी साफ करो, इसलिए ज्यादा मुझे इजी लगता है। ऐसे मक्खन को पानी से निकाल निकाल के निचोड़ निचोड़ के आप किसी बर्तन में ट्रांसफर कर लीजिए, क्योंकि अभी हम डायरेक्ट इससे घी नहीं बनाएंगे, अभी एक प्रोसेस और मैं करूंगी, मैं दिखाऊंगी अभी आपको थोड़ी देर में। पहले हम मक्खन निकाल लेते हैं, पानी से अलग कर लेते हैं। ये जो मक्खन है ना, इस मक्खन से आप आलू के पराठे खाइए, आलू के पराठे के ऊपर ये मक्खन लगा के। तो मैंने दिखाया कि आप हाथ से निकाल सकते हैं, अगर हाथ से नहीं निकालना चाहते तो एक छन्नी लीजिए और ऐसे एक बहुत, ये भी बहुत इजी मेथड है, इस तरीके से भी आप मक्खन को पानी से अलग कर सकते हैं। देखिए देखिए सारा जो मक्खन था हमने पानी से अलग कर लिया, थोड़ा सा बचा है वो भी अलग कर लेते हैं। एक बार फिर से चला देते हैं, बाई चांस थोड़ा बहुत मक्खन अगर और होगा पानी में तो वो भी अलग हो जाएगा। पानी में कुछ भी नहीं है, देखिए बिल्कुल कुछ नहीं है ना। अब इसकी चिंता मत करिए कैसे साफ होगा, ये अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे साफ कर दूंगी, पूरा इसमें जो मक्खन लगा है वो भी हट जाएगा। चलिए अब अपने मक्खन की तरफ चलते हैं। ये मक्खन अपना तैयार हो गया है, छन्नी से भी जो मक्खन एक्स्ट्रा है वो निकाल दीजिए, हटा दीजिए, और जो लगा है उसकी चिंता ना करिए। अभी मैं आपको बता दूंगी कि कैसे इसको आप साफ कर सकते हैं। सब चीज़ें एक साइड में रखते जाइए। ये देखिए ये मक्खन आपका तैयार है, मगर अभी एक काम और करना है, क्योंकि मलाई हम लोग फ्रीज़र में रख देते हैं लगभग, ये तो मेरी 15 दिन की मलाई थी, हफ्ते भर में भी आप बना लीजिए, मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी नहीं बना पाई थी, वैसे मैं एक हफ्ते में बना देती हूँ।
तो थोड़ा सा मैंने इसमें ठंडा पानी ऐड किया है। ठंडा ही पानी ऐड करिएगा, नॉर्मल वाटर नहीं, ठंडा पानी। फिर जो अभी हमने बर्फ का पानी बनाया ही था, बच गया था, वही मैंने ऐड किया है। इसको हम साफ कर रहे हैं अपने मक्खन को, फिर से आप छन लीजिए और उसकी सहायता से हमें मक्खन को अलग करना है। मगर अब इस समय हमें ऐसे पानी निचोड़ते जाना है। अब जिस भी पैन कढ़ाई जिसमें भी आपको बनाना हो, बस यहीं से आप पानी को रिड्यूस करके, पानी को निचोड़ के आप डायरेक्ट उसी में डालते जाइए। ये देखिए, हाँ मैं एक रेसिपी आपसे कह रही थी ना कि आप क्या बना सकते हैं। देखिए रेसिपी क्या है, जो लोग कानपुर साइड के हैं वो तो शायद ये रेसिपी जानते होंगे, जो नहीं है उनको बता देती हूँ। ब्रेड लीजिए, ठीक है, वाइट ब्रेड लीजिएगा। इसके लिए वाइट ब्रेड के साइड्स होते हैं, जो ब्राउन पार्ट होता है उसको कट कर लीजिए। अगर नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। और फिर उसको इस समय कहते हैं कि कच्ची ब्रेड नहीं खानी चाहिए, थोड़ा सा कोई भी चीज़ बाहर की खाएं तो रोस्ट कर लें, हल्का सा, बिल्कुल मतलब समझिए बस गर्म हो जाए, इतना ही आपको टोस्टर पर रखनी है, अपनी ब्रेड को गर्म करनी है। टोस्टर पर कर लीजिए, तवे पर कर लीजिए, बिल्कुल लाइटली। नॉर्मल डेज में तो वैसे कच्ची ब्रेड का ही बनता है, बट इस समय प्रेफर करते हैं कि कोरोना को देखते हुए कोई भी चीज़ बाहर की ठंडी तो बिल्कुल नहीं खानी, बाहर की खाते ही नहीं लोग, और ब्रेड तो मंगानी पड़ती है, तो आप उसको हल्का सा गर्म कर लीजिए। अगर ब्रेड की रेसिपी चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे है, आप विज़िट करिए, आपको वहाँ पर मेरी ब्रेड की रेसिपी मिल जाएगी। तो आप स्लाइस लीजिए, कॉर्नर्स उसके काट लीजिए साइड्स, उसके बाद उसमें ताज़ा गर्म करने के बाद उसके ऊपर याला मक्खन लगाइए, है ना, और अच्छी लेयर लगती है, बहुत हल्का नहीं है। मैटली तुलसी की पत्ती है ये, कभी कभी मैं तुलसी की पत्ती डाल देती हूँ मलाई में, तो ये फिर आप उसको मक्खन को लगा लीजिए बेड के ऊपर, अच्छी सी लेयर, उसके ऊपर हल्का सा काला नमक, जीरा भुना हुआ पिसा हुआ और पिसी काली मिर्च, ये तीन चीज़ों का मिक्सचर ऊपर से स्प्रिंकल करिए। फिर दूसरी ब्रेड उसके ऊपर कवर करिए और अच्छे से उसका कट करके बढ़िया छाछ के साथ एंजॉय करिए, बहुत बढ़िया लगती है। आलू के पराठे के ऊपर तो ये मक्खन बहुत अच्छा लगता है। जो भी कानपुर के लोग देख रहे होंगे तो ये जो मैं ब्रेड वाली रेसिपी बता रही हूँ उनको याद आ गया होगा, वहाँ पे स्ट्रीट फूड है ये, वहाँ पे सुबह सुबह गंगा जी है ना, वहाँ पे गंगा जी के पास मिलता है, पार्कों के पास मिलता है, सुबह सुबह का नाश्ता है बहुत से लोगों का वहाँ पे। तो ये सुबह सुबह स्ट्रीट पे, बहुत से ठेलों पे, बहुत सी शॉप पे ये ब्रेड और मट्ठी की रेसिपी मिलती है, और बहुत बढ़िया डिश होती है भाई, बहुत मज़ेदार। स्पेशली लोग आते हैं खाने तो हम घर पे बना लें, अगर हमारे पास मक्खन तैयार है तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। देखिए मक्खन निकल आया है और ये पानी अलग हो गया है, मक्खन भी निकल आया है और ये पानी अलग हो गया है। पानी को फेंकना नहीं है, मैं बताऊंगी पानी का आप क्या कर सकते हैं। और जो ये एक्स्ट्रा पानी है, थोड़ा सा पानी रहता ही है क्योंकि कितना भी हम बिल्कुल तो ड्राई नहीं कर सकते ना मक्खन को, थोड़ा सा स्पून की सहायता से अभी पानी निकाल दीजिए, पानी में ही डाल दीजिए, अभी आपका ये पानी वेस्ट नहीं होगा। इससे मैं आपको रेसिपी बता दूंगी, इस
उसको आप बना लीजिएगा तो आपका पानी भी यूज हो जाएगा। देखिए सारा पानी हमने स्पून की सहायता से इसमें से निकाल दिया है। अब इसको हमें गैस पे हीट करना है, गैस पे गरम करना है घी निकालने के लिए। देखिए गैस के पास हम आ गए हैं, हमने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है। अब हमें घी इसमें से निकालना है। कुछ नहीं ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 5 मिनट के बीच में, क्योंकि अगर कम मलाई होगी तो कम टाइम लगेगा, ज़्यादा मलाई का मक्खन होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। बस इसलिए मैं कह रही थी 2 से 5 मिनट के बीच में। हमें जो मक्खन है अपना उसको गर्म करना है, धीमे धीमे ये मक्खन घी में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा चलाते रहिएगा जिससे मलाई जले ना। और उस पानी को जो आपने, हमारा पानी बच गया था नीचे, उस पानी को आप गैस पे, दूसरी गैस पे चढ़ा दीजिए गर्म होने के लिए। लो फ्लेम पे उस पानी को चढ़ा दीजिए, हल्का हल्का थोड़ा सा गर्म होने दीजिए, धीमे धीमे गर्म हो जाएगा। तेज फ्लेम पे चढ़ा देंगे तो आपका मन यहाँ लगा होगा घी बनने में, पता चला वो कहते हैं ना दूध वूध बहुत जल्दी उबल जाते हैं और गैस पूरी गंदी हो जाती है। फिर ना धीमी फ्लेम पे ही चढ़ने दीजिए, जब तक उसको गर्म हो जाए तब तक हम घी बना लेते हैं अपना। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि मक्खन ने अपनी ओरिजिनल शक्ल को बदल दिया है, घी के फॉर्म में आने लगा है। दिख रहा है येलो येलो घी दिख रहा है ना, ये एक्चुअली मैं बता रही थी मेरे यहाँ गाय का दूध आता है इसलिए वो येलो है, मलाई भी येलो थी और ये भी येलो है। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा आप लोग। आगे ना मैं आपको कुछ किचन के सामान से, किचन की चीज़ों से छोटे छोटे ब्यूटी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, बट अभी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे आप लोग जुड़े रहिए तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और वीडियो से जुड़े रहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लाइक, पहले तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा तो लाइक कर लीजिए, कैसा लग रहा है कमेंट कर दीजिए, और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब वाला बटन क्लिक कर दीजिए, रेड बटन को ग्रे कर दीजिए, जैसे ग्रे हो जाए समझ लीजिए सब्सक्राइब हो गया आपका। और उसके बाद आपको आगे वाले वीडियोस कैसे पता चलेंगे कि मेरे वीडियो कौन से आ रहे हैं, तो उसके लिए आप जो बेल है ना उसको, बेल को क्लिक कर दीजिए बस, तो जब तुरंत आपकी जब भी मेरा कोई वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और अभी आप लोग परेशान हो रहे थे ना, छन्नी गंदी हो गई, स्पून गंदा हो गया, सब कैसे साफ हो गए। घी बनने के लिए मलाई गर्म हो चुकी है, गैस को हमने भी लो फ्लेम पे कर दिया है। इसका राइस को हल्का सा आप गर्म घी पे हल्का सा डुबो के चला दीजिए, बस ऐसे ही ऐसा गर्म घी उसके ऊपर गैस से डाल दीजिए। देखिए सारा साफ हो गया, बस इसके बाद आप गुनगुने या गर्म पानी से इसको धुल के साफ कर लीजिए। यही प्रोसेस आप छन्नी के साथ कर लीजिए, छन्नी को वैसे गर्म उसमें डालिए। ये देखिए सारा जितना एक्स्ट्रा मक्खन होगा वो सब साफ हो जाएगा, गर्म है ना ये इसलिए। गए आपके छोटे छोटे बर्तन साफ, और बाकी गर्म पानी हल्का सा करिए उसमें सर्व डालिए और सारे बर्तन धुल लीजिए। लगभग ही बनने ही वाला है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बन जाएगा। इसी तरीके से छोटू मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से चलाते हुए हमें पकाना है। कभी कभी लोगों को शिकायत होती है कि घर के घी में महक आती है, उस महक को दूर कैसे करेंगे आप? 2 लौंग डालेंगे और बनाते समय, घी बनाते समय उसमें डाल देंगे। तो जो लौंग है जो आपको लगता है कि एक्स्ट्रा कोई महक आ रही है तो उसको वो खत्म कर देगी। लगातार चलाना है तो ये क्या होगा, ये जो दूध के पार्टिकल्स हैं ये अलग हो जाएंगे और घी अपना अलग हो जाएगा।
जब तक ये पार्टिकल्स पिंक कलर के नहीं होते हैं तब तक हमें लगातार इसको पकाना ही है। जब ये पिंक हल्के से गोल्डन कलर के हो जाएंगे तब समझिए कि घी निकल आया है। और फिर घी तो ट्रांसपेरेंट होता है, वो आपको ऑटोमेटिक अभी पता चलेगा कि घी बिल्कुल अलग हो जाएगा। जब तक घी गर्म हो रहा है तब तक हम अपने दूध की तरफ चलते हैं, ये भी काम कर लेते हैं फटाफट। तो ये देखिए दूध को हमने गर्म करने रख दिया था, जो पानी मतलब दूध क्या पानी था जो बचा था, ये अच्छा खासा गर्म हो गया है। इसमें क्या करना है हमें, विनेगर लगभग 2 चम्मच विनेगर लीजिए और इसमें 2 ही चम्मच पानी ऐड कर लीजिए। 2 चम्मच विनेगर में 2 चम्मच पानी ऐड कर लिया है और जो अपना ये घी वाला पानी था वो भी गुनगुना हो चुका है, इसको बंद कर दीजिए और इसको थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए हमें पानी को फाड़ना है, जैसे हम छेना बनाते हैं ना, बस वही प्रोसेस करना है। थोड़ा थोड़ा विनेगर वाला पानी ऐड करिए और इसको चला दीजिए एक बार। अभी देखिएगा ये दूध के पार्टिकल्स बिल्कुल अलग हो जाएंगे और पानी बिल्कुल अलग हो जाएगा। इसमें भी आप सारे बर्तन जितने भी आपके मलाई में यूज हुए हैं उसको एक बार डिप करके निकाल सकते हैं, साफ कर सकते हैं, क्योंकि पानी गर्म है। इसी बोल में हमने वो किया था ना, मलाई रखी थी, वो भी हम एक बार साफ कर लेते हैं। बाद में तो गुनगुने पानी और सर्फ के पानी या विम के पानी से तो साफ करेंगे ही, अभी पहले हम थोड़ा सा इस समय भी साफ कर लेते हैं। तो लगभग सारे बर्तन अपने साफ हो गए हैं। देखिए इसमें क्या होगा, अब इसको आपको छानना होगा, पानी फेंकना होगा, पानी हटा देंगे, छन्नी से छान के इसमें जो छेना टाइप की चीज निकलेगी दूध के पार्टिकल्स निकल आएंगे। घी की तरफ आ गए हम, बहुत अच्छे से घी पक रहा है। अब जो हमने विनेगर से पानी को फाड़ा था उसको छान लेते हैं। ये देखिए ठीक ठाक छेना निकल आया ना, क्यों वेस्ट करें किसी चीज को हम। अब इसको क्या पानी इसका ड्रेन हो जाने दीजिए, जब ये बिल्कुल पानी इसका ड्रेन हो जाए इसको कहीं आप स्टोर कर लीजिए। पराठे बन आलू, इसमें आलू मिक्स करिए, धनिया मिर्चा जीरा काली मिर्च नमक ये सब मिक्स करके अच्छे से स्टफ पराठे बना लीजिए, प्याज पनीर के पराठे बना लीजिए, जैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपका छेना तैयार हो गया, मगर मिठाई ठेना बना लीजिएगा, इसकी मिठाई ठे नहीं बनेगी, किसी स्टफिंग वगैरह में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना यूजफुल टिप। ये देखिए घी बिल्कुल पकने के फॉर्म पे आ गया है, घी बहुत जल्दी बन जाएगा ये। थोड़ी देर में और पकाना है तो बस ही ये मक्खन है घी को छोड़ देगा। मक्खन ने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, देखिए घी अलग दिखने लगा है ना। बस हमें इतना वेट करना है कि ये जो दूध के पार्टिकल्स हैं ये पिंकिश हो जाए, पिंक कलर के हो जाए, तब तक हमें बस पकाना है। इसके बाद हमें इस पार्टिकल से घी को अलग कर लेंगे हम छान के। बढ़िया से घी जो है
पक रहा है। ये देखिए बिल्कुल घी तैयार हो गया है, घी बिल्कुल बन गया है। ये बिल्कुल अलग है, गर्म है इसलिए आपको दिख नहीं रहा, बबल्स में है। ये अपने जो दूध के पार्टिकल्स है वो भी कलर चेंज कर चुके हैं। हमें गैस को बंद कर देना है, बिल्कुल गरम गरम छानने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाथ चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसको हमें ठंडा होने देते हैं, ठंडा होने के बाद ही हम इसको छानेंगे और घी को अलग करेंगे। ये देखिए घी बिल्कुल ठंडा हो गया है, गुनगुना टाइप का है। अब इसको हम छान लेते हैं। चलिए छानते हैं। सारा घी हमने छान लिया है, देखिए पूरा छान लिया है मैंने। अब इसको ठंडा करके आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में, एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए। कितना बढ़िया, कितना अच्छा घी तैयार हो गया है, बिल्कुल पीला पीला। गाय के दूध का इसलिए पीला है, आप भैंस का बनाएंगे तो वाइट ही दिखेगा आपको। कि ये जो पार्टिकल बचे हैं, या तो आप इसको चीनी डाल के मीठे पराठे स्टफ करके बना सकते हैं। नहीं बनाना चाहते हैं आप तो एक काम करिए, थोड़ा सा पानी इसमें, नॉर्मल पानी डालिए और साइड से जितना भी मटेरियल है सब इसमें क्लीन कर लीजिए, मतलब निकाल लीजिए। इसको हम गैस पे गरम करेंगे, अच्छे से गरम करेंगे, बॉयल आने तक, मतलब खौल आने तक। देखिए इसको हमने गैस पे चढ़ा दिया है, उबाल आने तक इसको हमें पकाना है। देखिए इसको हम गरम कर रहे हैं, जब ये अच्छे से इसमें उबाल आ जाएगा तब हम गैस बंद करेंगे। पूरी रेसिपी आप देखते ही, आज मैंने घी के हर पार्ट से, आपको कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं होने दूंगी, सब तरीके से आपको सारी यूज़ बता दूंगी। ये देखिए अच्छे से उबाल आ गया, गैस को बंद कर दीजिए, हल्का सा ठंडा हो जाने दीजिए, फिर हमें इस पानी को छान लेना है। अब देखिए पानी छान ले रहे, घी के बर्तन अभी रखे ही हैं सारे, तो अभी तो सब धुले नहीं हैं, उसी में सारे काम कर ले रहे हैं, क्योंकि जितने बर्तन इस्तेमाल करेंगे उतने ही बर्तन चिकने होंगे, तो जितने यूज करे हुए बर्तन उन्हीं को रीयूज कर करके हमें काम पूरा कर लेना है घी का। हमने पानी को छान लिया है, इस पानी को किसी बर्तन में हम ट्रांसफर कर लेते हैं। ये बचा हुआ जो पानी से निकाल के मटेरियल, जो घी के पार्टिकल बचे थे, इसको आप किसी जानवर को खिला दीजिए, गाय को, भैंस को, किसी को भी आप दे दीजिए, खिला दीजिए। आजकल जानवरों को कुछ मिल नहीं रहा है, घर के बाहर कुत्ते हों उनको डाल दीजिए, खा ले वो लोग, है ना। पानी को हमने एक बर्तन में निकाल लिया, आप देख रहे होंगे कितना ये ऑयली ऑयली, कितना घी घीदार दिख रहा है, बिल्कुल घी जैसा ही दिख रहा है, क्योंकि इस पानी में बहुत घी का अंश है। तो इसे इस पानी को आप 24 घंटे फ्रिज में रख दीजिए, 24 घंटे बाद आप देखिएगा जो घी है वो ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे बैठ जाएगा, तो उस घी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका घी बिल्कुल भी किसी भी फॉर्म में वेस्ट नहीं होगा, कोई भी चीज़ आपकी वेस्ट नहीं हो रही है। देखा आपने, आज बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। देखिए आप लोग देख रहे हैं ना कि आज हमने जो मलाई खट्टा की थी, उससे पहले घी बनाया, घी बनाने के बाद जो जिससे जो पानी बचा था उससे छेना बनाया, और जो घी बनाते बनाते जो एक ब्राउन ब्राउन सा पार्टिकल होते हैं दूध के वो बचे, तो उसमें से भी हमने घी निकाल लिया है ना। एक बंद दो काज, मतलब सारा कुछ हमने वेस्ट नहीं होने दिया, हर चीज से कुछ ना कुछ यूज किया है। दिखाऊंगी, ये देखिए हमने पानी रखा था ना, तो पानी तो घी देखिए ये ऊपर आ गया है और पानी नीचे है। तो आप क्या करो, ये घी जो है उसको आप किसी कंटेनर पे निकाल लो, और आप तड़के लगाने में, रोटी में लगाने में, किसी में भी इस्तेमाल कर लो। बस एक काम करना है, ये जो घी है पानी से मिला हुआ है, इसमें पानी का अंश है थोड़ा सा, इसलिए इसको
फ्रिज में सेव करके रखिएगा, फ्रिज में स्टोर करके रखिएगा, बाहर ये खराब हो जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी का अंश आ जाता है, और जल्दी इस्तेमाल कर लीजिएगा, बस इतना इसमें ध्यान रखना है। फिर भी देखिए कितना घी निकल आया है, कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ ना, तो हर चीज़ को हमने यूज़ किया है। और प्लस जो ब्राउन वाला पार्टिकल था वो भी मैंने नीचे जानवरों के लिए भेज दिया था, तो कोई भी चीज़ आज हमारी वेस्ट नहीं हुई। इसी तरीके से आप लोग भी जल्दी से बना लीजिए।